नमस्ते दोस्तों, मैं सुमन शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल सुमन एजुकेशन हब में। आज के इस वीडियो में एक कमेंट्स मैंने रिसीव किया था उसके बारे में बात कर लेते हैं। एक कमेंट्स मैंने रिसीव किया था आशीष प्रजापति जी का, सबसे पहले मैं उन्हें थैंक्स देना चाहती हूं कमेंट्स करने के लिए। कमेंट्स उनका स्कूल बैग की अकाउंटिंग से रिलेटेड है। तो आज का जो वीडियो है एंड आज का जो डिस्कशन है, हम इसी टॉपिक पर करने वाले हैं कि स्कूल बैग की अकाउंटिंग को मेंटेन करने के लिए मैं पार्ट वाइज वीडियो अपलोड करूंगी। तो फर्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊंगी कि स्कूल की अकाउंटिंग को मेंटेन करने के लिए कैसे आपको कंपनी क्रिएट करना है एंड कैसे जो बेसिक्स लेजर होते हैं, जैसे कि जिन्हें हम सेल करेंगे, जिनसे हम परचेस करेंगे, ये सारे लेजर्स को आप कैसे क्रिएट करेंगे टैली प्राइम में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एंड आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी आप सभी लोगों से। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं एंड न्यू व्यूअर हैं, तो मेक श्योर मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा, इससे इन फ्यूचर जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको साथ के साथ मिलती रहेगी एंड आप मेरी कोई भी वीडियोस मिस नहीं कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। टेलीप्राम को ओपन कर लीजिए। सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे कंपनी, तो कंपनी पर आपको क्लिक करना है। देन आपको क्लिक करना है क्रिएट पर। तो यहाँ से हम कंपनी को क्रिएट करेंगे। जो भी आपके कंपनी का नेम है आप यहाँ पे टाइप कर लीजिए। तो मैं यहाँ पे क्रिएट कर रही हूँ स्कूल बैग अकाउंटिंग कंपनी। तो जो भी आपके कंपनी का नेम है आप टाइप कर लीजिए। मेलिंग नेम में सेम रहेगा एंड आपके जो भी कंपनी का एड्रेस है, रजिस्टर्ड एड्रेस, आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। आपको यहाँ पे इनफ स्पेस मिलता है तो आप एड्रेस डिटेल में फिल कर सकते हैं। उसके बाद आपको सेलेक्ट करना है स्टेट, जो आपके कंपनी का स्टेट है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो मेरा दिल्ली है इसलिए मैं दिल्ली सेलेक्ट कर रही हूँ। एंड उसके बाद देखिए जो पिन कोड नंबर है वो पिन कोड नंबर आपको फिल करना है। टेलीफोन नंबर जो है वो टेलीफोन नंबर फिल कर लीजिए। देन नेक्स्ट ऑप्शन है मोबाइल नंबर, तो मोबाइल नंबर आपको फिल करना है। अगर आपके कंपनी का फैक्स नंबर है तो फैक्स नंबर फिल कर लीजिए। आपके कंपनी का जो ऑफिशियल ईमेल आईडी है वो आपको ईमेल आईडी यहाँ पे फिल कर लेनी है। अगर आपकी कंपनी के पास वेबसाइट है तो आप यहाँ पे वेबसाइट टाइप कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन शो होगा वो शो होगा फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम। तो फाइनेंशियल ईयर अगर आप अपनी कंपनी इस ईयर में यानी कि इस करेंट ईयर में ओपन करना चाह रहे हैं तो इसका फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम होगा 1 अप्रैल 2022। तो 1 अप्रैल 2022 बुक्स बिगनिंग फ्रॉम में सेम डेट रहेगा एंड बाय प्रेसिंग कंट्रोल ए आपको इस स्क्रीन को सेव कर लेना है। यहाँ पे सक्सेसफुली आपका जो कंपनी है वो क्रिएट हो चुका है। देन ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन वाला विंडो शो हो रहा है, तो यहाँ पे आपको कॉन्फ़िगरेशन करना है। यहाँ एक ऑप्शन देखेंगे आप टैक्सेशन के अंडर में, इनेबल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इस ऑप्शन को यस करना है एंड सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे फिल करनी है। GST रजिस्ट्रेशन डिटेल्स आपको फिल करना है, जैसे कि स्टेट, रजिस्ट्रेशन टाइप और जो GST एप्लीकेबल फ्रॉम और जो आपका GST नंबर है वो आपको यहाँ पे फिल करना है एंड सारी इंफॉर्मेशन आप अपने अकॉर्डिंग फिल कर लीजिए। फिल करने के बाद इस स्क्रीन को आपको सेव कर लेना है। कंट्रोल ए प्रेस करके आप इस स्क्रीन को सेव कर लीजिए। तो यहाँ पर हमने कंपनी भी क्रिएट कर लिया। चलिए अब क्रिएट कर लेते हैं बेसिक्स लेजर को। तो बेसिक्स लेजर को क्रिएट करने के लिए हम क्रिएट पे जाएंगे। देन हमें लेजर पे जाना है क्योंकि हम न्यू लेजर्स को क्रिएट करने वाले हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको शो करूँगी, सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे जिन पार्टीज से हम परचेस करने वाले हैं, यानी कि जो हमारे सप्लायर्स हैं उनका लेजर हम क्रिएट करेंगे। तो मैंने यहाँ पर लेजर का नेम दिया है सुमन एजुकेशन हब, ब्रैकेट में मैंने परचेस मैंशन कर दिया है। अंडर आपको करना है सनरी क्रिएटर्स के, क्योंकि जो हम परचेस का लेजर क्रिएट करते हैं अंडर सनरी क्रिएटर्स करते हैं। मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल, इसको आप यस मार्क कर लीजिए। एंड जो कंपनी का एड्रेस है यहाँ पे डिटेल में आपको कंपनी का एड्रेस फिल कर लेना है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। उसके बाद स्टेट आप सेलेक्ट कर लीजिए, जिस कंपनी से आप परचेस कर रहे हैं वो किस स्टेट की कंपनी है। GST नंबर, मेक श्योर कि आपने सारी इन्फॉर्मेशन करेक्ट प्रोवाइड किया है एंड इस लेजर को सेव कर लीजिए। सेकेंड लेजर हम क्रिएट करेंगे परचेस का, तो लेजर का नेम है परचेस।
अंडर हमें क्रिएट करना है परचेस अकाउंट एंड यहाँ पे देखिए नीचे इज जीएसटी एप्लीकेबल, तो यस जीएसटी विल बी एप्लीकेबल, स्टेट एल्टर जीएसटी डिटेल, इस ऑप्शन को आपको नो रखना है क्योंकि जो हम परचेस का लेजर क्रिएट कर रहे हैं वो हम कॉमन क्रिएट कर रहे हैं। उसके बाद देखिए टाइप ऑफ सप्लाई, तो यहाँ पे हम गुड्स सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हम गुड्स के लिए क्रिएट कर रहे हैं इसको, एंड कंट्रोल ए प्रेस करके सेव कर लीजिए। इसके बाद हम टैक्स वाले लेजर को क्रिएट कर लेते हैं जैसे कि सी जी एस टी, एस जी एस टी एंड आई जी एस टी। तो सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे सी जी एस टी का लेजर अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस। टैक्स टाइप में आपको यहाँ पे जी एस टी सेलेक्ट करना है एंड अगेन टैक्स टाइप में आपको सेंट्रल टैक्स क्योंकि हम सी जी एस टी के लिए क्रिएट कर रहे हैं एंड इसको सेव कर लीजिए। नेक्स्ट हम एस जी एस टी का क्रिएट करेंगे अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस जी एस टी। स्टेट टैक्स आपको सेलेक्ट करना है क्योंकि हम एस जी एस टी के लिए क्रिएट कर रहे हैं। उसके बाद आई जी एस टी का हम लेजर क्रिएट करेंगे अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस, टैक्स टाइप में जी एस टी एंड यहाँ पे आपको इंट्रागेटेड टैक्स सेलेक्ट करते हुए इस लेजर को सेव कर लेना है। तो हमने यहाँ पे टैक्स वाले लेजर को क्रिएट कर लिया। अब हम क्रिएट करेंगे जिन पार्टी को हम सेल करने वाले हैं, तो जो हमारे बायर्स होते हैं चलिए उनका लेजर क्रिएट कर लेते हैं। तो सुमन एजुकेशन हब मैंने क्रिएट किया है, सेम पार्टी नेम मैंने क्रिएट किया है, ये मेरे चैनल का नेम भी है। अंडर हमें क्रिएट करना है सन्ड्री डेटर्स, मेंटेन बैलेंसेस यस कर लीजिए एंड जो कंपनी का एड्रेस होता है कंप्लीट यहाँ पे आपको डिटेल में टाइप कर लेना है मोबाइल नंबर के साथ, ईमेल आईडी के साथ। स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए जिस भी स्टेट की आपकी पार्टी है, जिस स्टेट को आप सेल करते हैं, पार्टी का जीएसटी नंबर और मेक श्योर कि सारी इन्फॉर्मेशन आपकी करेक्ट है, देन आप सेव कर लीजिए। उसके बाद हम सेल्स का लेजर क्रिएट करेंगे, अंडर हमें क्रिएट करना है सेल्स अकाउंट एंड यहाँ पे अगेन इस जीएसटी एप्लीकेबल, तो यस इस पे जीएसटी एप्लीकेबल होगा एंड सेट एल्डर जीएसटी डिटेल, तो यहाँ पे हम अगेन नो रखेंगे क्योंकि हम यहाँ पे कॉमन लेजर क्रिएट कर रहे हैं इसलिए हम नो रखेंगे। टाइप ऑफ सप्लाई में आपको गुड्स रखना है एंड इस लेजर को सेव कर लेना है। तो यहाँ पे हमने सारी बेसिक्स लेजर को क्रिएट कर लिया। तो इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे आपको स्कूल बैग की अकाउंटिंग को मेंटेन करने के लिए सबसे पहले कंपनी को क्रिएट करना है एंड उसके बाद कैसे आपको अपने बायर्स के, सेलर्स के एंड टैक्स वाले लेजर्स को क्रिएट करना है। सेम वे से आप क्रिएट कर सकते हैं किसी भी पार्टी का लेजर, चाहे वो सन्ड्री डेटर्स का हो, चाहे वो सन्ड्री क्रिएटर्स का हो, आपके बायर्स का हो या फिर आपके सप्लायर्स का हो या फिर टैक्स वाला लेजर, जैसे मैंने आपको बताया सेम लाइकवाइज आपको क्रिएट करना है टैली प्राइम में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से चेकआउट करना ना भूलिएगा, वहाँ मैं टैली एंड अकाउंट से रिलेटेड मैक्सिमम वीडियोस के लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। आप उन सारे वीडियो को वॉच कर सकते हैं, आप मेरे चैनल को सर्च भी कर सकते हैं, मेरे चैनल का नेम है सुमन एजुकेशन हब। आप चाहें तो मेरे चैनल को सर्च करके एंड कोई भी वीडियो सर्च करके वॉच कर सकते हैं। ये जो वीडियो मैंने आप लोग के साथ शेयर की है, आई विश ये वीडियो आप सभी लोग के लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर हेल्पफुल रही है तो एक छोटा सा काम कर दीजिएगा, चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़।